आदित्यनाथ जी केंद्र सरकार में कानून राज्य मंत्री और आगरा के यशस्वी सांसद माननीय एसपी सिंह बघेल साहब, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, धर्मवीर जी, आगरा के महापौर नवीन जी, सम्मानित मंच, उपस्थित प्रबुद्ध जन और कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले आगरा की इस धरती पर मैं आप सबकी ओर से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आगरा तीन शब्दों से मिलकर बना है और उसको अगर एब्रिविएट किया जाए तो पहला अक्षर है आ। अयोध्या पति प्रभु श्री राम की भक्त के भक्तों की यह भूमि है आगरा। दूसरा शब्द है माननी गा। गंगा जिसके सर पर विराजती है, ऐसे काशी विश्वनाथ के प्रतीक जिस शहर में चारों ओर कोतवाल के रूप में स्थापित है, वैसा शहर है आगरा। तीसरा शब्द है रा। राध का प्रिय श्री कृष्ण की ब्रज भूमि का अंग है आगरा। ऐसी भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका वंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो परिवर्तन आया है और आपकी कृपा से जो मुझे शिक्षा, आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विभाग मिला है, उसके लिए आगरा वासियों को इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कुछ कि आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आगरा में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि आगरा TTZ की भूमि है। TTZ यानी ताजमहल ट्रिपोजियम के कारण यहां सभी उद्योग बंद हो गए हैं प्रदूषण के लिए। हमने सुना था कहानियों में, ताजमहल जब बना था तो उसके बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। मालूम नहीं ये तब हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन आज ताजमहल के कारण नीरी और सुप्रीम कोर्ट ने पेट और हाथ जरूर काट दिए आगरा वासियों के। इसलिए जब आपके समक्ष मैंने समस्या रखी, क्योंकि आगरा शिक्षा का हब होना चाहिए, आगरा आईटी का हब होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ विकास होना चाहिए। मुझे आप सबको बताते हुए ये गर्व होता है कि मात्र टेलीफोन पर मेरी बात हुई थी महाराज जी से कि जो नई आईटी नीति और नई स्टार्टअप नीति बनती है, बन रही है, उसमें TTZ एरिया यानी आगरा के इस क्षेत्र को स्पेशल प्रिविलेज मिले, जिससे कि यहां पर आईटी हब बनने और उसको बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी अनुपस्थिति में, मंत्री परिषद की अनुपस्थिति में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसको शामिल किया। अब वो दिन दूर नहीं जब आगरा में आईटी सिटी आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मार्च से पहले पहले, ये जो आगामी मार्च आ रहा है, आगरा में आईटी पार्क का उद्घाटन होगा। आगरा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। शिक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिलचस्पी लेते हैं। शिक्षा भी हब बने, क्योंकि शिक्षा भी प्रदूषण मुक्त कार्य है, सेवा का कार्य है। मुझे इस बात का गर्व है और एक मुझे आशीर्वाद है, क्योंकि जो शिक्षा की यूनिवर्सिटीज पिछले कई दिनों से पेंडिंग थी, अगर महाराज जी दिलचस्पी नहीं लेते, मुझे सहयोग नहीं देते, मुझे आशीर्वाद नहीं देते, तो जो पिछले 6 महीने में गति प्राप्त हुई है वह नहीं हो पाती। मित्रों, अब आगरा के TTZ एरिया में एक मथुरा में यूनिवर्सिटी का आशय पत्र निर्गत हो गया है,
और मथुरा आगरा में तीन उस पंक्ति में खड़ी हैं जिनका बहुत ही जल्दी आशय पत्र निर्गत होने वाला है। ये सब महाराज जी की कृपा से हुआ। अब शिक्षा का हब बनेगा आगरा, आईटी का हब बनेगा और आगरा वासियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, आगरा और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मित्रों, कानून व्यवस्था के नाम पर भी बात हुई थी, ये खड़ी है, मैं समझ रहा हूं कि मुझसे कह रही है कि जल्दी जाओ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा। आगरा के सिराज कुरैशी के बहुत बड़े पत्रकार हैं इंडिया टुडे के, उनके पुत्र हैं समीर कुरैशी, वो मुझे जिक्र कर रहे थे। उस घटना को मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि योगी जी का क्या प्रभाव है, उससे समझ में आएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि सहारा, उस समीर सहारा में है, सहारा ग्रुप ने सर्वे कराया था इस चुनाव से पहले, 22 के चुनाव से पहले, कि जनता किसको मुख्यमंत्री चाहती है, योगी आदित्यनाथ जी को, मायावती जी को या अखिलेश जी को। टिक करना था, हर वर्ग में हुआ था, हर धर्म में हुआ था, हर जाति में हुआ था, हर लिंग में हुआ था। उन्होंने मुस्लिम समाज की महिलाओं के प्रतिशत को उठाई, 25% मुस्लिम समाज की महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर टिक लगाया। अब समीर भाई को क्यूरियोसिटी हुई कि उनकी पत्नी ने क्या किया। उन्होंने अपनी पत्नी वाला पर्चा निकाला, उसमें देखा कि उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर टिक था। घर में बैठे थे, अपनी पत्नी को बुलाया, पत्नी से बोले क्या तुझे तीन तलाक वाला डर है, तो बोली ना तो मुझे मजहब से मतलब है ना मुझे सियासत से मतलब। मैं योगी जी के राज से पहले जब निकलती थी तो चैन नकली पहन के निकलती थी और अपने साथ कोई घर का बच्चा या मर्द लेके चलती थी, क्योंकि छेड़ने का डर था और छिनैती का डर था। जब से योगी जी आए हैं तब असली सोने की चैन पहन के निकलती हूँ, अकेले निकल जाती हूँ बाजार में हाट करने, न छिनैती का डर है न छेड़खानी का डर है, इसलिए योगी ने आदित्यनाथ पर टिक किया है। यह है मेरे नेता का प्रभाव। तो मेरे मित्रों, आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान नेता, विश्वविख्यात नेता, जिसको ऑस्ट्रेलिया में कहा गया कि अगर हमारे यहां भी कोई योगी आदित्यनाथ होता तो हम देश का प्रधानमंत्री बनाते, हमें स्वागत करते हुए हर्ष होता है। मैं हृदय की गहराइयों से उनके आगमन का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं उद्बोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य।